देखिए, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। और मैं एक बात कह सकता हूं कि जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का आएगा, निश्चित रूप से हमारे पास इतने नंबर हैं कि वो सांसद चुन करके जाएगा। लेकिन सर क्या लगता है कि क्योंकि इसको लेकर जेजेपी ने भी एक ट्वीट जो है वो किया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो डर रही है तो और उनकी जो है बीजेपी से साठ गांठ जो है वो हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि वो केवल और केवल कुछ राजनीतिक जुमलेबाजी इस प्रकार की कर रहे हैं। ना दम कांग्रेस पार्टी में है, ना जेजेपी पार्टी में कोई दम बचा है। दम अगर आज के दिन है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद चुन करके भेजेगी। कब तक सर नाम को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? मुझे लगता है बहुत जल्दी ही, आज होना ही है और बहुत जल्दी हो जाएगा। नाम लगभग ऊपर के हमारे नेतृत्व ने उसको फाइनल कर रखा है, बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर वही बात करें विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारी संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों तैयारियां हमारी पूरी तरह से चल रही हैं। हमारे सब नेता कार्यकर्ता मैदान के अंदर जुटे हुए हैं। हमारी बूथ स्तर की जो टीम है वो लगातार अपने मजबूत कर रही है अपने आप को, और जिस दिन भी कैंडिडेट आएंगे, कैंडिडेट को लेकर के हमारी टीम मैदान में उतरेगी, और 100% हम इस बार फिर तीसरी बार रिकॉर्ड जीत हासिल करके सत्ता के अंदर आएंगे। बीजेपी की आखिर टक्कर कौन सी पार्टी से रहेगी? देखिए, ये तो वैसे तो जनता तय करेगी, लेकिन इस बार जो मुझे लगता है, जो मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस और INLD का, जो गठबंधन है बसपा के साथ, उसके बीच में रहने वाला। क्या सर लगता है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी देखिए, करेगी? भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जा रही है। अगर बात करें सर जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि उनके पास 2,500 से ज्यादा आवेदन आए हैं तो कांग्रेस इस बार जो है चुनाव ऐसे कैंडिडेट देगी जो जीत हासिल कर सके। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी को भी एक बार सोचने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तौर तरीका है, कांग्रेस पार्टी का अपना तौर तरीका है। अभी 2,500 तो आप, जब तक ये टिकट घोषित इनकी होंगी तब तक 2,500 हैं, उसके बाद तो केवल 90 बचेंगे, बाकी सारे के सारे इनके खिलाफ मैदान में ताल ठोकने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरने वाली है। अच्छा हरियाणा में कांग्रेस जिस तरीके से किसान आंदोलन भी रहा है क्या लगता है कि उसका असर चुनाव पर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, कोई ना कोई छाप छोड़ करके जाते हैं। अब किसान आंदोलन के बाद हमारे सब किसान बंधुओं को एक बात ध्यान में आने लगी है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे किसान बंधुओं को गुमराह किया, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के अंदर अविश्वास पैदा किया, और वो धीरे धीरे करके किसानों के बीच में एक बात जा रही है। किसान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा किसी को अगर फसलों का भाव दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, सबसे ज्यादा अगर बीमे की राशि किसी सरकार में गई, बल्कि वो तो लागू ही हमारी सरकार ने किया फसल बीमा योजना, किसानों को उसका लाभ मिला, सबसे ज्यादा अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर मुआवजा दिया तो हमारी ही सरकारों ने दिया। तो किसान को किसी भी रूप में कोई तकलीफ ना आए, इस बात को इन 10 सालों के अंदर सुनिश्चित किया गया। जबकि पूर्व की जो सरकारें होती थी, दूसरी सरकारों के समय में हमने देखा कि कभी किसान बिजली को लेकर के सड़क पर गया आता था, कभी पानी को लेकर के संघर्ष करता था, कभी फसल की बिक्री को लेकर के करता था, कभी फसल के रेट को लेकर के करता था। इन 10 सालों के अंदर किसान को इस बात के लिए कभी सड़कों पर नहीं आना पड़ा। तो किसान इस बात को समझ गया है कि किसान आंदोलन के विपक्षी और खास करके कांग्रेस पार्टी के उकसावे की देन था। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।